हम एक प्ले कर रहे थे, उमर शरीफ और हम, तो मैं उसमें कौन कौन था मैं आपको पहले बता दूं, मैं, बहरोज, जावेद शेख, यस, सलीम नासिर साहब, यस, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, देवा शहनाज, दिल्ले हुमा जो हिंदुस्तान चली गई, exactly. नईमा गरज, ये सब लोग उसके अंदर थे। और उसमें मैं बदमाश बना था जी, और मैंने बहुत बड़ी मूछ लगाई थी और एक यहाँ मस्सा लगाया था, और कई दफा अपनी मूछों के बोझ से गिर भी गए। इतनी बड़ी मूछ थी। अच्छा, वो उसमें तमन्ना आपा भी थी? हाँ, यस, हाँ, भूल गया था मैं नाम। तो मैंने, अब मुझे नहीं पता था, जो उसमें मैंने धोती बांधी थी वो मैंने तमन्ना आपा से बनवाई थी, और वो सिल्क की धोती थी। नहीं, आप पहले पहले ये क्लियर करें, धोती किसने बांधी? तमन्ना। आपने गौर नहीं किया, तमन्ना आपा ने। हाँ, नहीं, ठीक है, चाहे वो आपा है, तो उसको, लेकिन मैं आपको उसका, देखिए यार, आप एक बात कह दी आपने, यहीं रुक जाए, नुक्ता यहीं रहेगा। अच्छा, रहे कि आपने क्या, आई डोंट माइंड, तमन्ना आपा से धोती बनवाई। उन्होंने धोती बांध दी मुझे, बिल्कुल जैसे तमन्ना आपा से। आपने धोती क्यों बनवाई, मैं सवाल ये, मुझे तमन्ना आपा धोतियां अच्छी बांधती थी? सवाल ये है, क्योंकि तमन्ना आपा लाहौर में फिल्में बहुत की उन्होंने, तो उन्होंने धोतियां देखी हुई थी। ये नहीं है मकसद, मैं कहा उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा धोती का एक्सपीरियंस, आ बेटा आजा मैं बांध देती हूँ, पहली बार आ बेटा आजा, हाँ, मैं धोती बांध देती हूँ, ठीक है। अच्छा, सिल्क की धोती थी, हाँ, मैं बदमाश था, एक खंजर मेरे हाथ में था, मैं स्टेज पे, पहला शो था और वो जुमे का शो था, जुमे की छुट्टी होती थी उन दिनों में, जुमेरात को वो जाती, जुमे का शो था, बैक शो था, तो उमर, उसका प्ले का नाम था अब्बोल उमर शरीफ। तो मैं एंटर हुआ स्टेज पे और मेरा उसमें एक डायलॉग था, मैं स्टेज पे दाखिल होते ही बोलता था, ओए मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाला नौजवान, ओए, और फिर मैं एडी मारता था। तो वो हुआ ये कि उमर शरीफ ने मुझे एक थप्पड़ मारा जब मैं एंटर हुआ और मैंने कहा मैं एडी मार के दीवार गिरा देने वाले, तो वो धोती गिर गई। ये शख्स गवाह है, हाँ, और वो सब तमन्ना आपा के हाथों की बरकत थी। शादी की आपने? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई शर्म नहीं आई? नहीं, अगर मैं आपने दोस्त की बहन से शादी कर दी, हाँ, तो क्या बहुत बुरी बात है यार, एक दोस्त एतमाद के साथ घर लेके जाता है। तो यार, यार एक बात, नहीं देखो सच्ची बात करो यार, ये नहीं करो जो है, जो है तो गलती, मान लो सच्ची बातें करूं फिर? नहीं सुनो, देखो बहुत से राज अफशा होंगे फिर, चाहे उसमें अफशा का भी नाम आ जाए। इसी इश्क में मुब्तला हुए हैं। हाँ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार, जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, जब तो तक इश्क पहला कैसे हुआ था, क्या हुआ था इश्क? तो वो नहीं, नहीं, कैसे हुआ था, बस में, गाड़ी में, मोहल्ले में, नल पे बाल्टी भर, मोहल्ले मोहल्ले में भी हुआ, और स्कूल तो खैर हमारा कोई एजुकेशन था नहीं, हम तो जैकब लाइन स्कूल में पढ़ते थे, लाइन दे, वहाँ तो सब लड़के ही थे, लड़कों का स्कूल था भाई, बॉयज। और कॉलेज में जब मैं कॉलेज शिफ्ट हुआ तो नेशनल कॉलेज में, यहाँ बहादराबाद, तो टीचर ही लड़कियाँ होंगी? नहीं नहीं नहीं, लड़कियाँ थी, दो साल के बाद वो भी को एजुकेशन ख़त्म कर दिया गया था आप लोगों की वजह से, हम लोग एंटर हो गए थे, तो बस ये सिलसिला चलता रहा भाई। और ये सिलसिला, पहला इश्क जो हुआ वहां से ना भागो, वो बताओ यार, पहला इश्क जो, मैं ईमानदारी से बताऊं ना तुम्हें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बताए, आपकी एज भी नहीं है झूठ बोल रहे? नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। पहला इश्क जो था, जिसको कहते हैं चाइल्डहुड क्रश, हाँ ठीक है, हाँ, वो बहुत बड़ी खातून थी, हैं, उन पे हुआ था कि बस वाले यार, नहीं जान दे दूंगा, हाँ खुदा की कसम, वो बड़ी उम्र की थी, बड़ी उम्र की थी भाई, पसंद आ गई, इसीलिए तो तुमने तमन्ना से धोती बंधवा ली। ये तो बिल्कुल, आप कनाडा में रहती है, कहाँ रहती है कनाडा में? मैं टोरंटो में। माशाल्लाह, अब उस एरिया को भी जान पहचान गई होगी? जी, मुझे पूरे रास्ते याद है, मैं वहाँ का टैक्सी का लाइसेंस ले सकती हूँ। ओह, इतने रास्ते याद है, यानी टैक्सी का लाइसेंस मुश्किल से मिलता है? सबसे मुश्किल चाहिए तो मिलता है टैक्सी, सबसे मुश्किल है, तो वहाँ तो हर बिल्ली के पास लाइसेंस होगा।
भैया बिल्ली पे बैठ के तो नहीं जा सकते यार, टैक्सी पे बैठ के जा सकते। तो बिल्ली को टैक्सी में बिठा के ले जाओ उसको रास्ता क्या यार, क्या बच्चों वाली बात है, क्या मसला हो गया? हाँ, कोई मसला नहीं है बिल्कुल। भरोस भाई क्या हो गया? जी जी जी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? उतरे टैक्सी से तो बिल्ली ने मुंह नोचावा। आप बिल्ली के साथ ऐसी कोई बात ना करें कि वो मुंह नोचावा।